बिहार का नरकटियागंज इन कुछ वर्षों पे कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर विकास की रफ्तार ने नरकटियागंज की तस्वीर ही बदल दी। नरकटियागंज आज मॉडर्न शहर के रूप में तो नहीं, मगर छोटे शहर के रूप में पूरी तरह बदल गया है। इतना जरूर है कि यहाँ की ऐतिहासिक प्लेस को आज भी संभाल कर रखा गया है। नरकटियागंज के एक से एक छोटी बड़ी दुकानें चमचमाती हुई, यहाँ के चौक चौराहे प्यारे प्यारे बच्चों से शोर मचाती हुई, यहाँ के गली मोहल्ले हरे भरे खेतों का खूबसूरत नजारा और राम जानकी मंदिर नरकटियागंज को वो तस्वीर दी है जिस पर आज नरकटियागंज शहर के वासी इस पर इतरा सकते हैं। दोस्तों, नरकटियागंज के कई सारे रोचक और धमाकेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिना देर किए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, ताकि यह इन्फॉर्मेशन हर नरकटियागंज के गली मोहल्ले तक पहुंच सके। नरकटियागंज बिहार जैसे पवित्र राज्यों का एक ऐतिहासिक और बेहद ही खूबसूरत शहर के लिए जाना जाता है, जो उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला का एक अनुमंडल, एक प्रखंड और साथ पे एक नगर परिषद के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी सीमा नेपाल देश से मिलती है, जो अपने आप पे नरकटियागंज को एक खास स्थान बनाती है। ये वही नरकटियागंज है जहां बॉलीवुड के जाने माने मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी और भारत के मशहूर सिंगर और कंपोजर दामोदर राव जैसे नामी गिरामी हस्तियों के जन्म स्थान के लिए भी जाना जाता है। नरकटियागंज देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 909 किलोमीटर और बिहार की राजधानी पटना से 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हिंदू मुस्लिम धर्मों के साथ साथ सिख और ईसाई धर्मों के मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। नरकटियागंज जनसंख्या के हिसाब से बेतिया और बगहा के बाद पश्चिमी चंपारण का तीसरा सबसे बड़ा, बिहार का 57 और भारत के 1152 बड़े शहरों के लिस्ट में शामिल है। नरकटियागंज भारत का हिंदू मेजोरिटी वाला शहर है, जहां पर शहर की आबादी का 78% हिंदू धर्म और 21% मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। नरकटियागंज नगर परिषद की आबादी आज के मौजूदा समय पे साल 2022 के अनुसार 60,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार नरकटियागंज नगर परिषद की आबादी 50,000 है, जहां रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 9,083 है, यानी कि नरकटियागंज पे कुल मिलाकर 9,083 घर है, जो हर एक परिवार पे औसतन 5 से 6 लोग रहते हैं। साल 1974 पे नरकटियागंज को एक नगर परिषद के रूप में गठन किया गया था। नरकटियागंज नगर परिषद पे कुल मिलाकर 25 वार्ड शामिल है। इस नगर परिषद को 25 वार्डों पे बांटा गया है, जिसपे 13 नंबर वार्ड सबसे ज्यादा आबादी वाला वार्ड कहलाता है। नरकटियागंज की ऊंचाई समुद्र से 89 मीटर तकरीबन 292 फुट के करीब है। नरकटियागंज की साक्षरता दर लगभग 77% है। इससे पता चलता है यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और लिंग अनुपात 983 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 983 महिला है। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम नरकटियागंज रेलवे जंक्शन है, जो बिहार के व्यस्त रेलवे स्टेशनों पे शामिल है, जहाँ से हर दिशाओं के लिए ट्रेन चला करती है। आज का नरकटियागंज अपनी व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ बिहार के विकसित होने वाले शहरों के लिस्ट में शामिल है। वैसे नरकटियागंज पे आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ के ज्यादातर लोग छोटे व्यवसाय, घरेलू उद्योग और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। नरकटियागंज पे काम करने वाले वर्कर की संख्या यहाँ के आबादी के अनुसार 13,000 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 13,000 वर्कर पे मजदूर, किसान, सरकारी नौकरी करने वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले भी शामिल है।